शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अभी क्या हुआ? मैं हूं अर्जुन। अभी अभी मैं हूं अर्जुन। भाभी भाभी मैं हूं अर्जुन। भाभी क्या हो गया तुम्हें? एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूछो। जब पापा की मौत हुई आप कहां थे? मैं यही थी, लेकिन जब मैं उनके कमरे में गई आज जिनके साथ ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। वो कहते हैं ना कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसता उसी को है जो दूध पिलाता है। मेरे हंसते खेलते घर को उजाड़ने वाले, मेरे बेटे अर्जुन को मुजरिम बनाने वाले, कानून के हवाले कर दूंगा मैं तुझे, सजाए मौत दिलवाऊंगा मैं तुझे। सजा सजा गवाह और सबूत जैसी दो बैसाखियों की मोहताज होती है सेठ जी, और हम तो बैसाखियां ही तोड़ देते। मरने से पहले एक और राज की बात भी जान लो सेठ, और फिर स्वर्ग में बैठ के पछता है। इसे जानते हो? ये भी शामिल है हमारी साजिश में। और फिर स्वर्ग में बैठ के पछता है। इसे जानते हो? ये भी शामिल है हमारी साजिश में। ये तूने कब और कैसे रिकॉर्ड किया? मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, मुझे नहीं मालूम। बता तूने कैसे रिकॉर्ड किया ये? मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, मुझे नहीं मालूम। सागर श्रीवास्तव, ये सुना तुमने? बाबूजी की मौत दिल के दौरे से नहीं हुई थी, उनका कत्ल हुआ था और कातिल सागर है। सागर, सागर जिसे मैं अपना भाई समझता रहा। सागर, 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 सागर ने खून किया। सागर, सागर ऐसा कर सकता है? मैं ये सोच भी नहीं सकती। सागर ने पापा जी का, पापा जी। नहीं नहीं भाभी, तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपना। मैं सागर को नहीं छोड़ूंगा, मैं सागर को नहीं छोड़ूंगा। पापा को दिल का दौरा नहीं पड़ा था, उनकी हत्या हुई थी। हत्या और हत्यारा कौन है मालूम है? ये सागर, अपना सागर। क्या? शिमला में कार का हादसा, शिप पर हमला और तुम्हारा जेल जाना, इन तीनों के पीछे सागर का ही हाथ था। मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सबूत क्या है? ये टेप साफ साफ कह रहा है कि सागर साजिश में अकेला नहीं है, और फिर उसकी मौत मेरी तुम्हारी भाभी की जिंदगी नहीं बन सकती। ये ठीक कह रही अर्जुन, उसके खून से तुम लोगों पे लगे जुर्म के निशान धुल नहीं सकते हैं।
ठंडे दिमाग से सोचो अर्जुन, ताकि सही मुजरिमों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके। तुम ठीक कह रही हो पूजा, सागर ने अगर मेरे पापा को धोखे से मारा है तो मुझे भी उसका जवाब चालबाजी से ही देना चाहिए। अर्जुन तुम, ओह माय गॉड, पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी और तुम यहाँ। सागर साहब, मौत मेरे सर पर गीत की तरह मंडरा रही है, मगर मैं मौत को धोखा देकर अपने पापा के कातिल तक पहुंचना चाहता हूँ। कातिल, क्या बात कर रहे हैं, नंदा साहब को तो हार्ट अटैक हुआ था। उनका कत्ल हुआ था। ये क्या कह रहे हो तुम? एक सच्चाई, एक इतिहास जो मेरे पापा की पीठ में चूड़ा भोंक कर उनके खून से लिखा गया था, जिसे मैं पढ़ चुका हूं सागर साहब। कमाल हो गया, बहुत बुरा हो गया अर्जुन साहब। नंदा साहब तो भगवान जैसे आदमी थे, उनका कत्ल किसने किया होगा? मैं उस बेदर्द वहशी दरिंदे की गर्दन तक पहुंच चुका हूँ। ये समझ लीजिए कि उसकी मौत और जिंदगी में इतना फर्क बचा है जितना मेरे हाथ और आपकी गर्दन। तुम कातिल को जान चुके? जान चुका। कौन है? जान चुका होता सागर साहब, जान चुका होता, मगर पुलिस, पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है और कातिल का पता लगाने के लिए मैं जो कुछ करना चाहता हूँ मैं कर नहीं सकता, इसलिए इसलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कहीं आप मेरी मदद करेंगे? मैं बिल्कुल करूंगा, आपका नमक खाया, आपके लिए खून बहाने को। खून जिसका बहना था बह चुका सागर साहब। जान, जान, जान चाहिए मुझे आपकी, आप जान देंगे मेरे लिए? मैं नहीं, हाँ हाँ दूंगा, मैं क्यों नहीं दूंगा, दूंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी सागर साहब, इस खेल में आपका अहम हिस्सा होना बहुत जरूरी है, वरना यह खेल अधूरा रह जाएगा। अच्छा सागर साहब, मैं चलता हूँ, जो कुछ भी मुझे पता लगेगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। ठीक है सागर साहब, मैं चलता हूँ। संभाल के जाना प्लीज। हेलो, हमारा नाटक कामयाब रहा, चूहा बिल से निकल चुका है, अपने साथियों से मिलने जा रहा है बास्टर्ड। मैं भी आया। बहुत छटपटा रही हो, हाँ? ऑफिस में अच्छा नाटक किया था तुमने और सागर ने मेरे विश्वास को बनाए रखने के लिए, लेकिन आज सागर बुजदिलकार भावरा, मैं जानता हूं तू इसी चार दीवारी में है जहां से तूने और अंजलि ने अपने बुरे मंसूबों की हवा तक को खबर ना होने दी। अरे अर्जुन साहब, आप, आपने क्यों तकलीफ की? आप कहते मैं वहां आ जाता हूं। अब और नाटक मत कर, नमक हराम तेरे चेहरे से नकाब उतर चुका है, समझा तू? अर्जुन साहब, लगता है सेठ जी की मौत के बाद आपके दिमाग का संतुलन कुछ, वरना आप मुझे गद्दार, कायर, नमक हराम। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया, वो कहते हैं ना कि सांप। अब इस बात का फैसला तुम ही करो सागर, कि अपने आप को कानून के हवाले कर देना चाहते हो या मेरे हाथों मरना चाहते हो। मरने की बात कर रहे हो, मरने के सफर पर तो तुम निकले हो।
जीजा जी आप? जीजा जी। अरे हमने तो कभी किसी के साथ रिश्ता जोड़ा ही नहीं, सिवाय दौलत के। तुम्हारी बहन यानी कि मेरी पत्नी नंदा फैमिली की तिजोरी खोलने के लिए एक सुनहरी सी चाबी थी बस, और वो भी कमबख्त अपने बाप के घर से एक पैसा लाने के लिए तैयार नहीं थी। सुनहरी चाबी को जंग लग गया, एक दिन गला घोट कर मार डाला उसे। भाई नहीं नहीं, आहिस्ता। अर्जुन साहब, आपने अपने घर में छुपे हुए नाग को तो देख लिया, अब आस्तीन में छिपी हुई नागिन को भी देख। मधु, अर्जुन माना कि तू अर्जुन है, लेकिन अभिमन्यु की तरह तू हमारे चक्रव्यूह में फंस चुका। जब कश्ती भंवर में फंस जाती है ना, डूब जाती है। और तुम्हारी कश्ती में तो दो दो सुराख है, एक जीजा जी एक भाभी जी। तुमने ठीक कहा था सागर, मैं अभिमन्यु नहीं अर्जुन, अर्जुन बाजी पलट चुकी है। अर्जुन साहब, बाजी जीतने के लिए राजा को सिर्फ प्यादे की नहीं, कभी कभी रानी की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। सॉरी डार्लिंग, आई लव यू बट आई लव माई सेल्फ मोर। अर्जुन, लाश को ठिकाने लगाओ। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, अर्जुन भागा, अर्जुन भागा, गो, चलो, फॉलो मी, चलो, चलो। अर्जुन नहीं मर सकता, अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन,
अर्जुन Cheers! क्या बात है, आज हमारी बनाई हुई कहानी खत्म हो गई, दी एंड लग गया। अब सारे कागजात और चेक्स पर आप साइन करेंगे और हमराज करेंगे। भगवान नंदा फैमिली की आत्माओं को शांति दे, जिन्होंने सिर्फ हमारे लिए इस धरती पर जन्म लिया था। इतनी मेहनत के बाद उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई, इतने बड़े बड़े कारखाने बनाए, और कंपनी के स्टाफ के लिए, हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। हम लोग जब तक जीते रहेंगे उनके एहसानों के तले दबे रहेंगे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हर जन्म में मुझे ऐसा ही मालिक देना ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए। मेरा जीवन भी सफल कर दो, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया हूं। क्या है भाई, कौन हो तुम? कुछ मत पूछिए, कुछ मत पूछिए। अर्जुन मेरा यार था, मेरा दोस्त था, अरे सत्यानाश हो उनका, जिनकी वजह से मेरा दोस्त मारा गया। मैं ठीक बोल रहा हूं ना? अरे उन लोगों को मगरमच्छ के साइज के कीड़े पड़े, जिनकी वजह से मेरा अर्जुन मारा गया है ना? मैं सही बोल रहा हूं ना? वो सब लंगड़े लूले होकर, अपाहिज होकर सिग्नल में भीख मांगते फिरे, जिनकी वजह से मेरा दोस्त मर गया है और मैं उन्हें भीख भी न दूं। मैं गलत तो नहीं बोलूं ना सर? हाँ, लेकिन लेकिन अर्जुन को तो पुलिस ने गोली। अरे पुलिस हो या विलन, मेरे सामने आए ना तो उस तरह से सर के बाल करके टकला कर दूंगा, कपड़े फाड़ के नंगा कर दूंगा मैं। क्यों भाई लोग, मैं सही बोल रहा हूं ना? हाँ, देखो तुम बहुत जज्बाती हो, जरा शांत रहो। देखिए आप इस वक्त यहाँ से चले जाइए प्लीज। चला जाऊंगा मगर आपको अर्जुन की आत्मा की शांति के लिए मेरे साथ देना होगा, मेरी फिल्म बनाने में आपको साथ देना होगा। आप क्या चाहते हैं? 50 लाख रुपए। क्या 50 लाख? 50 लाख? जी हाँ, हम आपको जानते तक नहीं है, 50 लाख। लेकिन अर्जुन साहब मुझे जानते थे, देखिए मेरे पास पेपर्स है, उनका साइन भी है यहाँ, देखिए उन्होंने साइनिंग ऑन भी दिया है ना। भाइयों छोटे मालिक की इच्छा थी कि मेरी फिल्म बन जाए, अगर उनकी आखिरी इच्छा पूरी ना हुई तो उनकी आत्मा भटकती रहेगी, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे साहब। क्यों भाइयों, इनको 50 लाख रुपए देने चाहिए या नहीं? छोटे मालिक ने हमारे और हमारे बच्चों के लिए कितना कुछ किया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए 50 लाख रुपए जरूर देने चाहिए। शांति के लिए तो ये रकम कुछ भी नहीं है। हम देंगे 50 लाख, तो क्या जितना भी पैसा लगेगा हम जरूर देंगे। धन्यवाद भाभी जी, धन्यवाद। बोलो भाभी जी की जय हो। भाभी जी की जय हो। मेहरबानी करके आप सब मेरी फिल्म की मुहूर्त पर आइएगा। आप आएंगे ना? जरूर आएंगे। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं जी? क्या बात है साहब, बहुत बड़े प्रोड्यूसर लगते हैं। थैंक यू। एक मुखड़ा सी। हाँ, इरशाद। चप्पल वाले जूते में आ गए, बनियान वाले टाई लगा गए, सारे कौवे मोती खा गए, कहाँ से उल्लू के पट्टे आ गए। क्या तुम्हें अर्थ क्या है? ले अकल का झाड़ू, दिमाग की खुली झाड़, खोल अकल के किवाड़, वरना पड़ेगी तार तार तार। तमीज से बात करो जॉनी। जॉनी मैं हूँ सर। जॉनी मेरा नाम है, ये मेरा भाई मोनी है। दिलदार जेंटलमैन। सागर साहब नहीं आए? सागर साहब बस आते ही होंगे। ये ले जाओ, ये लो आगे आइए। आप आए बाहर आई, आपने कोई जंजीर होगी ना दीवार, मेरे प्रोडक्शन की लव स्टोरी में शोले भड़केंगे, चांदनी चमकेगी, आप नारियल फोड़ेंगे साहब जी, आप कैमरा ऑन करेंगी और सागर साहब आप मुहूर्त क्लैप देंगे। हाँ मगर ये मुहूर्त का नारियल वगैरह है कहाँ? मैं उसका इंतजाम करता हूँ, अभी चेक कर लेता हूँ। आप लोग आइए ना, मोनी जरा ध्यान रखना, बस भी देख लेते सब। चौंकिए नहीं, आप है जॉनी के जुड़वे भाई मोनी। एक मुखड़ा सुनिए, आलू के खेत में भालू आ गए, बंदर खाने को रतालू आ गए, कैसे कैसे लोग चालू आ गए। मैं भी आता हूँ, अभी आता हूँ। स्टूपिड लोग। जाने दीजिए सागर साहब, जाने दीजिए, आइए अंदर चलते मुहूर्त का नारियल तोड़ते हैं। डॉक्टर साहब तोड़ना ही है ना, तोड़ने में तो हम लोग माहिर हैं, चाहे किसी की सांसें तोड़नी हो, तकदीर के सितारे तोड़ने हो। हाँ आपने तो सारा घर ही तोड़ दिया, सारा बिजनेस अपनी तरफ मोड़ लिया, तो फिर नारियल की क्या औकात है, वो तो हमें देखकर अपने आप ही टूट जाएगा। दीवाने दीवाने तो दीवाने, अरे मोहरत में दीवाने। समारोह नारियल कहाँ है?
नारियल? हाँ। एक नारियल हमको मिले टूटे तो सबको फले, मोहरत में हमरी तुमरी सबकी तकदीर चमके रे हम्मा 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 रे हम्मा। नारियल मरियल अड़ियल। जॉनी जॉनी नहीं मुनी, ये क्या हरकत है? ये हरकत नहीं, हमारे बापू की बरकत है, बापू की देन है, एक ही जैसी चेन है। जॉनी टॉनी मोनी, टू इन वन सुना होगा, हम थ्री इन वन है। खानदान है सूर्यमुखी, बैनर का नाम है त्रिमुखी, फिल्म का नाम है 1998 ए म्यूजिकल स्टोरी, जिसका प्रोड्यूसर है जॉनी कपूर, म्यूजिक डायरेक्टर टॉनी रहमान और लिरिक राइटर मोनी बख्शी। डायरेक्टर टायो जॉनी टॉनी मोनी। फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में ऐसा पहला मुहूर्त है जो ना पहले कभी हुआ, ना देखा ना सुना। आइए मुहूर्त का टाइम हो गया है, चल के नारियल तोड़िए। स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। त्रिमुखी फिल्म्स 1998 अ म्यूजिकल स्टोरी मुहूर्त शॉट, ऑल द बेस्ट। कातिल नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया, मैं कातिल नहीं हूं, मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कातिल नहीं हूं, मैं कातिल नहीं हूं, मैंने किसी का खून नहीं किया। मत हो, मत हो, मैंने कुछ नहीं किया। चुप जाओ, मत हो। मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं चीख चीख कर कहूंगी कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं गुनेगार नहीं हूँ, मैं गुनेगार नहीं हूँ। पागल मत बनो मधु, तुम लोगों ने मुझे फंसाया है। मधु प्लीज चुप हो जाओ, होश में आओ, वरना हमारे सारे किए किराए पर पानी फिर जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और कठपुतली बनकर नहीं नाचूंगी, तुम लोगों ने मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है, मैं फंस जाऊंगी। कोई नहीं फंसेगा मधु, मधु समझने की कोशिश करो। तुम लोगों ने मुझे कातिल बनाया, खूनी बना दिया। तुम खूनी नहीं हो मधु। मैं खूनी हूँ, मैं मुजरिम हूँ। तुमने कोई खून नहीं किया है। लेकिन खून तो हुआ है। कानून की नजरों में तुम गुनेगार नहीं हो मधु। लेकिन अपनी नजरों में मैं गुनेगार हूँ, मैंने अपने पति की हत्या की है, मैं खूनी हूँ, मैं खूनी हूँ। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगी। शट अप, शट अप। तुम्हारे पति की हत्या तुमने नहीं मैंने की है। और तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे ससुर का खून भी मैंने किया है। फिर तुम गुनेगार कैसे हो सकती हो? मधु हमारा सारा प्लान कामयाब हो गया है और अब तुम बनी बनाई इमारत को रेत के गरौंदे की तरह गिराना चाहती हो। अगर तुमने हमारी साजिश का भांडा फोड़ दिया तो हम सब बुरी तरह से फंस जाएंगे और नंदा फैमिली की जो दौलत अब तक तुम्हारे नाम है वो सरकार के नाम हो जाएगी। वो फिर क्या कहते हैं, वो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ऐसी हालत हो जाएगी। इसलिए मधु प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स मधु। शट अप, शट अप। तुम्हारे पति की हत्या तुमने नहीं मैंने की। और तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे ससुर का खून भी मैंने किया। फिर तुम गुनेगार कैसे हो सकती हो? मधु हमारा सारा प्लान कामयाब हो गया है और अब तुम बनी बनाई इमारत को रेत के गरौंदे की तरह गिराना चाहती हो। अगर तुमने हमारी साजिश का भांडा फोड़ दिया तो हम सब बुरी तरह से फंस जाएंगे और नंदा फैमिली की जो दौलत अब तक तुम्हारे नाम है वो सरकार के नाम हो जाएगी। वो फिर क्या कहते हैं, वो धोबी का कुत्ता न घर का न खाट का, ऐसी हालत हो जाएगी। इसलिए मधु प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स। अर्जुन? हाँ मैं अर्जुन। अर्जुन वो क्या कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। दौलत हासिल करने के लिए हाथों में दौलत की लकीर होनी चाहिए सागर। मतलब तुम्हारी मौत एक नाटक था। एक नाटक तुमने खेला, एक नाटक हमने खेला। तो तुम दोनों जिंदा हो। सत्य कभी नहीं मरता। तुम सबने इतने सारे लोगों के सामने अपना गुनाह कबूल किया है, अपने मुजरिम होने का सबूत दिया है, वो देखो। तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे ससुर का खून भी मैंने किया है, फिर तुम गुनेगार कैसे हो सकती हो? मधु हमारा सारा प्लान कामयाब हो गया है और अब तुम बनी बनाई इमारत को रेत के गरौंदे की तरह गिराना चाहती हो। देखा सागर, इसी सबूत को हासिल करने के लिए तो हमने ये ड्रामा किया, वरना मुझे तो तुम्हारे प्लान के बारे में उसी वक्त पता लग गया था जब मैं भाभी से मिलने घर गया था। हाँ सागर, जिस दिन अर्जुन को टेप मिली थी
वो तुम्हें जान से मारने के लिए घर से निकला। तुम्हें खबरदार करने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया, लेकिन तुम्हारा फोन इंगेज था, इसलिए मैंने पूजा को फोन किया हेलो, ताकि वो अर्जुन को तुम्हारे घर आने से रोक सके। फिर तुम्हें सब कुछ बताने के लिए मैं तुम्हारे घर पहुंची, लेकिन जब मैं वहां पहुंची, इसका मतलब कि सारी दौलत सिर्फ हम दोनों में बटेगी। हां, अर्जुन की मौत के बाद प्रॉपर्टी के सारे कागजात पर उसके दस्तखत लेने के बाद हम मधु और उसकी बहन दोनों को खत्म कर देंगे। और उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि चाहे मेरी बहन रहे या ना रहे, मैं अपने पापों का प्रायश्चित जरूर करूंगी। इसलिए मैंने अर्जुन को घर बुलाया, और अर्जुन सिर्फ अंजलि ही नहीं, सागर की इस साजिश का एक मोहरा मैं भी हूं, और निलेश भी इस साजिश में शामिल है। निलेश भी साजिश का हिस्सेदार है? क्यों? क्यों? लेकिन पहले तो मुझे पुलिस कमिश्नर के पास ले चल, मुझे पुलिस कमिश्नर के पास ले चल। तो मधु, ये है तुम्हारी बहन जिसकी जान बचाए रखने के लिए तुमने सागर और डॉक्टर निलेश का साथ दिया, लेकिन तुम फिक्र मत करना, हम इस बच्ची को उनके कैद से छोड़ा लेंगे। और अर्जुन, तुमने उन दोनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए जो प्लान बनाया है उसमें पुलिस तुम्हारा पूरा पूरा साथ देगी। थैंक यू सर। मिस्टर पांडे, इससे पहले कि सागर और निलेश की गोलियां अर्जुन को अपना निशाना बनाए, तुम्हें अर्जुन को अपनी नकली गोलियों का निशाना बनाना होगा, ताकि ये उन सब के सामने अपनी मौत का ढोंग कर सके। राइट सर। तुम लोगों ने भाभी को मोहरा बनाकर चाल तो बहुत अच्छी चली, मगर तुम्हारा ही मोहरा तुम्हें मात दे गया। हमारी रानी हमें धोखा दे गई, हम राजा नहीं बन सकते, लेकिन एक और प्यादा है हमारे पास। उधर देख। हरामजादे, इसी नन्ही सी जान को मौत की नौक पर रखकर तू अपना खेल खेलता रहा ना। सागर, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुके थे, इसलिए हमने अर्जुन को सपोर्ट किया और उसकी मौत का ढोंग रचाया। हेलो, गेट रेडी क्विक। ओके, अर्ज क्या है? फोकट का हलवा खाने चले थे, बाबा का माल समझ के उड़ाने चले थे। ऐसी पड़ी लात, हो गए खड़ी खाट, अब जूते पड़ेंगे 360। तुम दोनों आपस में ले लो, बांट बांट बांट, आधा बरसे आधा बरसे आधा बरसे आधा बरसे। चलो बैठो, जल्दी जल्दी। अरे साजिद, हीरो को बुलाओ, शॉट रेडी है। सर, ये शॉट डुप्लीकेट से नहीं? डुप्लीकेट नहीं, मैं अपने सब शॉट्स खुद देता हूं। अरे संभाल कान, संभाल। अर्जुन, मैं आ रहा हूं, हट जाओ। अरे हीरो रेडी, अब शॉट कैसे होगा? अरे अरे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी शूटिंग्स में छोटे छोटे ग्लास टूटते ही रहते हैं, फिक्र मत करो, हमारी पिक्चर सुपर हिट है। दूसरा ग्लास रेडी है? थोड़ी देर में आ जाएगा सर। ठीक है, मुझे बुला लेना, मैं जरा हीरोइन के साथ बैठा। हाँ, देखना दरवाजा खटखटा गया ना। अच्छा। अरे क्यों मार रहे हो यार, मैं प्रोडक्शन वाला हूँ, मुझे मत मारो, मैं आपका भाई हूँ। अरे क्या करते आप लोगों ने, कपड़े फाड़ दिए?
अरे कपड़ों में क्या रखा है, इसकी ऐसी की तैसी नहीं पता लगता है। अर्जुन मैं आ रहा हूँ। क्या करता है तो शॉट रेडी है, तैयार होकर आ जाइए। ठीक है मैम। अरे मोदी भाई कहां से आ गए? कट कट कट। ये शूटिंग चल रही है, तुना पहले मोटरसाइकिल फिर साइकिल, अरे ये सब अरेंज कर लो, तब तक मैं एक्सरसाइज करके आता हूँ। ये उसी का आदमी है, घेर लो, पकड़ लो इसको, दबा दो, छोड़ा नहीं, मारो इसको। भाई अरे क्या, ये उसी का आदमी है जिसने शूटिंग खराब कर दी। अरे मारो मुझे, कुत्ते की तरह मारोगे? अरे भाई कपड़े मत छोड़ो, कपड़े मत छोड़ो, मेरे भाई मेरी बात सुनो। अरे क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो मेरे भाई, नारी छोड़। अबे घोड़ों में बैठ के गधों जैसी हरकतें करते हो, कपड़े उतार लिए? अरे कपड़ों में रखा क्या है? अर्जुन मैं आ रहा हूँ। सकल कहाँ है? डर मत। हेलो, एयरक्राफ्ट तैयार रखो, हम लोग आ रहे हैं। ओके ओके ओके। ये आ जा।
अच्छा। दीदी न उठाता ऊपर हाथ तो खड़ी हो जाती तेरी खाट, वैसे ऊपर जाके भी पड़ते जूते पूरे 360। इंस्पेक्टर साहब ले जाओ अपने साथ। चलो चल। थैंक यू। वेलकम। Thank you.